कार्थन फील्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मित्सुबिशी पजेरो और कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन पजेरो की। अब जैसा कि देख सकते हो आप, और फ्रंट से कुछ इस तरह की दिखती है। अगर बात करें इसकी, लाइट्स आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। देखिए, प्रोजेक्टेड लैंप्स मिलेंगे आपको इसमें, और फॉग लाइट्स कुछ इस तरह की मिलेगी इसकी। और फ्रंट की बात करें, आपको क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पे मिलेगी फ्रंट में। ये देख सकते हैं, जैसे कि यार कार की लेंथ भी यार बहुत बड़ी है। देखिए साइड लेंथ दिखाता आपको कार की, अब जैसा कि देख सकते हो। अगर वीडियो में नॉइस है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कार के साइड की टायरों की बात करते हैं हम। कार के साइड की टायरों का भी 265/65 R17 के टायर मिल जाएंगे आपको इसमें विद अलॉय व्हील्स। और इस तरह के कुछ के टायर्स। और ये कार सेल के लिए है, आप इस कार को परचेज़ कर सकते हो। आपको इनकी डीलरशिप का मैं नंबर दे दूँगा। जैसा कि मैंने आपको कार फ्रंट से दिखा दी है, अब आपको बात करते हैं इसके साइड क्रोम की। आपको साइड क्रोम में आपको ORVM कुछ इस तरह के मिलेगा। ORVM में आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको पजेरो का देखिए, जिस तरह से यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है पजेरो की, बहुत शानदार लग रही है। और ये देखिए कुछ इस तरह से, और देखिए इसके डोर हैंडल्स भी आपको इसमें क्रोम की फिनिशिंग के मिल जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके हम आगे बैक साइड, और बैक साइड कुछ आपको इस तरह के मिलेगी ये पजेरो। और आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको ऊपर की तरफ आपको इसमें स्पॉइलर मिल जाएगा इस तरह से। और ये देखिए वॉशर, और ये देखिए आपको इसमें वाइपर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पजेरो की बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसके बैक साइड की, बैक साइड आपको इसमें सेंसर्स मिल जाएंगे, बैक सेंसर्स एंड विद कैमरा। एंड आपको स्पेयर व्हील टायर आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। और ये देखिए आपको इसमें रिवर्स लाइट्स कुछ इस तरह की मिल जाएगी। और यहाँ पे ऑटोमेटिक की बैजिंग दी गई है। और आपको इसमें मिरर में आपको बैक रेयर के विंडो में आपको डिफॉगर मिल जाएगा इसमें। बात करते हैं इसकी रूफ की, रूफ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे, ब्लैक कलर के हैं। और आपको ऊपर की तरफ एंटीना मिल जाएगा कुछ इस तरह से यार। और साइड की आपको क्रोम की मैंने दिखा दी है, ये देखिए। और कुछ इस तरह के इसके डोर हैंडल्स रहेंगे क्रोम के। नहीं, चलिए आपको कार के अंदर लेके चलते हैं। और देखिए इस तरह के इसका डोर है। और ये देखिए यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग मिल जाएगी, ये देखिए। और ये जगह आपको पावर विंडो के बटन, ये वन टच डाउन पावर विंडो ओनली ड्राइवर साइड। एंड ये चाइल्ड लॉक। और आपको यहाँ पे बॉटल स्पेस इस जगह मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाएंगे। और सीट की बात करते हैं, सीट में आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट मिल जाएगी, ये देखिए। ये देखिए ऐसे वर्क होती है। और इस तरह के कुछ इसमें पैडल्स आएंगे, और मैट्स इस तरह के आएंगे कुछ। और यहाँ से आप मिरर एडजस्टमेंट कर सकते हो, साइड मिरर एडजस्टमेंट ORVM। एंड ये लाइट्स अप एंड डाउन करने के लिए AC वेंट्स कुछ इस तरह के मिलेंगे आपको। डैशबोर्ड इस तरह के मिलेगा कुछ, ये देख सकते हो जैसे ही। और ये देखिए, जैसे कि हम कार के अंदर आए हैं, और ये देखिए स्टेयरिंग कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे इसमें इस तरह के, देखिए। और ये लाइट्स के कंट्रोल्स, एंड ये वाइपर्स के कंट्रोल्स। और मीटर कुछ आपको इस तरह का मिलेगा, अभी ऑन करके दिखाएंगे, पजेरो आपको स्टार्ट भी करके दिखाएंगे। और बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग आपको इसमें ये देखिए मैनुअली मिलेगा, ये देखिए। इस तरह आप एडजस्टमेंट कर सकते हो स्टेयरिंग को। ओवरऑल ये कार अंदर से ऐसी है। और यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिशिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगी। और नीचे बात करते हैं, आपको इसमें सीक्रेट लाइटर मिल जाएगा, और ये फैन ऑन करने के लिए, रेयर फैन ऑन करने के लिए है।
एंड पार्किंग सेंसर्स। और बात करते हैं यहाँ पे, आपको छोटी सी स्पेस मिल जाएगी। और ये देखिए इसका ऑटोमेटिक गियर कुछ इस तरह का आएगा, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे आपको दो ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे एंड ये हैंड ब्रेक। और बात करते हैं इसके आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट आपको कुछ इस तरह मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसी स्पेस मिल जाएगी, और इसमें आपको चार्ज आउटलेट दिया गया एक, कुछ इस तरह से है इसका आर्मरेस्ट। एंड इसकी सीट्स फिनिशिंग तो अच्छी है सीट्स की भी। और बात करते हैं इसके, ये देखिए आपको सन वाइजर्स कुछ इस तरह के मिलेंगे, आपको इसमें लाइट्स नहीं मिलेगी। और ये देखिए आपको इस तरह के साइड में भी मिरर विद सन वाइजर, एंड इसकी रूफ की लाइट्स कुछ इस तरह की, सन ग्लास होल्डर्स, एंड ये देखिए लाइट्स कुछ इस तरह। ओवरऑल ऐसी है कार, और यहाँ पे आपको रेंज बताएगी, यहाँ पे आप किलोमीटर्स कितने चले, इस जगह पे आपको स्क्रीन भी दी गई है आपको बताएगी। एंड ये स्टीरियो कुछ इस तरह से आता है, और ये देखिए पार्किंग इंडिकेटर्स, और ये एसी वेंट्स। और अगर बात करते हैं इसके आपको स्पेस की, आपको स्पेस कुछ इस तरह का मिलेगा। ये देखिए अब यार आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको कार कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपके लिए ऐसी ऐसी कारें और अच्छी मैं लेकर आऊँगा। चलिए आपको कार का इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ पे की लगी की साइड की तरफ, और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट, की लगाते ही ऑटोमेटिकली खुल गए हैं। और जैसे कि मैंने इसका ये देखिए ऑन किया मीटर, और मिट्सुबिशी पजेरो दिखा आ गया, और कुछ इस तरह से है। और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे रेंज, और ये देखिए वीडियो में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा भी ये ऐसे बंद जल रही है, बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। वीडियो में ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको टाइम बताएगी, रेंज किलोमीटर एंड आउटसाइड टेम्परेचर आपको बता देगी, एंड यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो सारी चीज़ों की, कुछ इस तरह से है। और आपको इसमें कुछ इस तरह के एसी ऑन करने के लिए मिल जाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से है। और रूफ की बात करें, आपको रूफ पे ये लाइट्स मिल जाएगी। और चलिए आपको इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाते हैं, एक बार कार स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसकी लाइट्स ऑन कर दी है, चलिए आपको इसकी लाइट्स दिखाते हैं। पता नहीं आपको दिख रही होंगी लाइट्स की, नहीं दिख रही है धूप में अभी, इसकी यार पीले रंग की लाइट्स हैं, वाइट कलर की नहीं है। और कार में इतना नॉइस भी नहीं है, मतलब ठीक है इंजन की कंडीशन। चलिए अब कार को बंद कर देते हैं, और आपको इसकी रेड सीट्स दिखाते हैं। और देखिए कुछ इस तरह से इसका रेयर का डोर है, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएगी, एंड यहाँ पे देखिए स्पीकर्स मिल जाएंगे। ये लाइट्स अभी दी जाती है, डोर खुलता है तो पता लग जाए डोर खुला हुआ है, इस लाइट देखते लोग पीछे से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको ये बॉटल होल्डर दिया गया है, एंड ये पावर विंडो का बटन, एंड यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, और कुछ इस तरह से है। उसका स्टेपर आपको दिखा दिए, इस तरह का स्टेपर मिल जाएगा। और देखिए कुछ इस तरह से है, और इसके आपको बिल्कुल कैबिन अच्छा मिलेगा पीछे की साइड भी। और मैं बताऊँ तो कंफर्टेबल, मैं तो कंफर्टेबल बैठा हूँ इसमें, और पीछे की साइड डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। और इधर हम बात करते हैं तो इसकी आर्मरेस्ट की, आर्मरेस्ट कुछ आपको इस तरह की मिल जाएगी, ये आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे इसके ग्लास होल्डर्स, यार पीछे की साइड तो बहुत बंदे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीन बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे पीछे की तरफ, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और ऊपर की तरफ आपको एसी वेंट्स कुछ इस तरह के मिल जाएंगे, और ये भी देखिए
इस तरह के कुछ एसी वेंट्स मिल जाएंगे आपको रूफ़ की तरफ, और यहाँ पे हम एसी की स्पीड लो एंड डाउन कर सकते हैं, अप एंड डाउन फास्टली। एंड ये देखिए साइड डोर हैंडल्स, ओवरऑल ऐसी लुक है कार की। चलिए आपको थर्ड रो दिखाते हैं इसका। अगर हमने थर्ड रो के हम जाना चाहते हैं तो यहाँ से हमें सीट फोल्ड करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ से, और ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाती है सीट, इसमें कोई इशू नहीं है आने का बाहर। और यहाँ से हम अंदर चलते हैं इसके। और बट मैं आपको ये बता दूँ भी यार, थर्ड रो में आपको स्पेस बहुत कम मिलेगी। मैं तो यार बड़ी मुश्किल से बैठा, आप देख सकते हो मेरे पैर कितने टच हो रहे हैं। अगर हम इस सीट को थोड़ी सी आगे करते हैं, बाकी ओवरऑल यार थर्ड रो की थोड़ी सी यार अनकंफर्टेबल स्पेस है इसमें। ये बच्चों के लिए ठीक है, हम बड़े बंदे नहीं बैठ सकते थर्ड रो में, अनकंफर्टेबल स्पेस है इसमें। वो साइड की तरफ को ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगी। और इसकी एसी वेंट्स कुछ इस तरह की है थर्ड रो में। ओवरऑल यार थर्ड रो में तो मेरे को बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं दिखती है बैठने के लिए। हाँ पर अगर बच्चे बिठा सकते हो तो ठीक है, उनके लिए अच्छी है थर्ड रो। चलिए बाहर चलते हैं। और मैंने कार आपको बैक से दिखा दी है, बैक सीट दिखा दी हैं। चलो आपको इसकी पावर बताते हैं। अगर बात करते हैं इसकी पावर की, 175 BHP आपको इसकी पावर मिलेगी और 350 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। और बात करते हैं 7 सीटर ये कार है, बूट स्पेस आपको बता दिया 500 लीटर बूट स्पेस मिलेगी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बता दो, 70 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार में आपको मिल जाएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 215 Nm आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी MM। और टर्निंग रेडियस इसका स्टेयरिंग 5.6 मीटर टर्निंग रेडियस है। अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करें, आपको 14.5 सेकंड में 0 to 100 ये कवर कर लेगी। चलिए आपको इस कार का प्राइस बताते हैं, फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। अब आपको मैंने यार इसके सारी पावर सब कुछ बता दिया है, अब आपको इसका प्राइस बताते हैं। प्राइस भी आपको अंदर बैठ के बता देते हैं क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है कार्स की वर्स के। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस आपको इसमें पड़ेगा 12.5 लाख रुपये आपको इस कार का प्राइस पड़ेगा, और आपको इंश्योरेंस सब कुछ हो जाएगा इस कार पे। एंड बात करते हैं NOC भी आपको इसमें मिल जाएगी। आपको इनकी डीलरशिप का नंबर दे दूंगा, आप यहाँ पे आके कार परचेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए और भी अच्छी अच्छी मैं कारें लेकर आऊँगा। अगर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सी कार देखनी है, मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।